we shall see what are the constituents of educational institution, मतलब किसी शैक्षिक संस्थान का कौन कौन से अवयव हैं जिनकी मदद से शैक्षिक संस्थान चलता है. द इफिशियंसी ऑफ एनी सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. ऑब्वियस है, सारे अवयव सही जगह पे होंगे, सही तरह से यूटिलाइज होंगे, तभी कोई इंस्टीट्यूशन इफिशियंटली चलेगा. फॉर एन एजुकेशन सिस्टम द कंस्टिट्यूएंट्स आर टीचर्स, टीचिंग मटेरियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. इसने कहा कि टीचर, टीचिंग का जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बैठने की जगह से लेके डेस्क बेंच एक्सेट्रा. दीज कंस्टिट्यूएंट्स आर क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग इट्स इफिशियंसी. क्योंकि टीचर तो इफिशियंट होना ही चाहिए, साथ साथ जो स्पेस है या फिर और जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो भी जरूरी है, तभी कोई इंस्टीट्यूशन इफिशियंटली रन करेगा. प्रॉपर प्लानिंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट्स इज एसेंशियल फॉर द अटेनमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल गोल्स. और इंस्टीट्यूशन के जो गोल हैं, बिना इनके प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के अचीव नहीं किए जा सकते हैं. मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर is an essential component of institution management in general and management of human resources and teaching learning process in particular. ठीक है, human resource को particularly manage करना जरूरी है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन management infrastructure का भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें human component तो है ही, other related component भी है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं. Efficiency in educational system is achieved through several subsystems which have evolved over a period of time. जैसे कि modernization का impact है, या फिर आज हम लोग ICT की एज में आ गए हैं, तो पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई हैं, so that the institution could transact its function more efficiently. अभी देखिए, कोविड के समय हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास की बात की थी, और फिर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट पॉसिबल ही नहीं था, फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया, तो वो सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आप समझेंगे. दीज इवॉल्व सब सिस्टम अकॉर्डिंग टू रूमबल, एक नाम है रूमबल, हालांकि ये इनका कंसेप्ट थोड़ा पुराना है. रूमबल ने 1997 ये कहा कि सिस्टम अकॉर्डिंग टू रूमबल, कि कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम ग्रो किया है, इसके कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, और कैसे ये डिफरेंट सब सिस्टम्स मिलके एजुकेशन को मजबूत करते हैं, जिसमें इन्होंने कहा यूज ऑफ रिटेन टेक्स्ट. क्या कहा? रिटेन टेक्स्ट. डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी. नेक्स्ट, यूज ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन. एंड इंस्टेड ऑफ ओरल. इसके अलावा भी आगे इन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग सिस्टम. वैसे इस यदि आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एजेस की बात करेंगे तो सारी चीजों की चर्चा है. फिर डेवलपमेंट ऑफ क्लासरूम, कैसे हमारा इंस्टीट्यूशन ग्रो किया है. सो थोड़ी सी इसकी चर्चा हम लोग कर लें. यूज ऑफ रिटन टेक्स्ट फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन, बहुत पहले से ही शुरू हो गया है, लेकिन आपको पता होगा कि ध्वनि से शब्द की तरफ आने में समय लगा, और फिर उसके प्रिंटिंग फॉर्म को आने में समय लगा, वर्ड को प्रोनाउंस करने में, फिर कम्युनिकेशन के तो मीन्स बहुत पहले से थे, लेकिन वो मीन्स कैसे कैसे धीरे धीरे ग्रो करता चला गया. फिर लोगों ने लाइब्रेरी का कंसेप्ट डेवलप किया, फिर रिटन एग्जामिनेशन का कंसेप्ट आया. एज नोन टू अस दिस वॉज फर्स्ट यूज बाई चाइनीज,
और माना यह जा रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन को सबसे पहले चाइना ने स्टार्ट किया था। और लाइब्रेरी के बारे में तो आप जानते हैं कि हम लोगों की बहुत सारी लाइब्रेरी को आक्रांताओं ने जलाया। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग सिस्टम, ये बहुत रिसेंट है, रिसेंट वही भारत में मॉडर्न मैन माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और उसके कुछ वर्ष पहले ही दूसरे राष्ट्रों में हो गया था। और ये माना जाता है, ये सब फैक्ट्स चेक किए जा सकते हैं क्योंकि इतना वर्ल्ड में इतनी घटनाएं होती हैं, कहाँ से इवॉल्व हुआ नहीं, लेकिन एज पर दी सोर्सेज इट वॉज फर्स्टली डन बाई कोरिया। माना यह जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कोरिया ने स्टार्ट किया। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्लासरूम एज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ द स्कूल, जिसको हम लोग फॉर्मल सिस्टम को और फॉर्मलाइज करने के क्रम में क्लासरूम का बहुत इंपॉर्टेंस है। और आज का जो पेडागोजी है वो क्लासरूम के साइज स्ट्रक्चर आदि का सीधा रिलेशन एजुकेशन की क्वालिटी से मानता है, और इस पर बहुत सारे रिसर्च और काम हो रहे हैं। और इट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग 18th and 19th century, मतलब ये भी बहुत पुरानी घटना नहीं है, 18वीं-19वीं सदी में ही क्लासरूम ट्रांजेक्शन के माध्यम से शिक्षा देने की शुरुआत हुई, जैसा कि ये कह रहे हैं। वैसे जो पहले का जो सिस्टम था वो थोड़ा डिफरेंट था। टू इम्प्रूव इफिशियंसी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैव रिप्लेस्ड द लेबर इन इंटेंसिव एक्टिविटीज। और आज तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश में भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं काम करने की बात। और फिर ICT में हम लोगों ने क्या किया है, 8 तरह के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मल्टी मीडिया का कंसेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के कंस्टिट्यूएंट में आ जाएगा और इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नीड करता है। जैसे पावर पॉइंट वगैरह तो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, अब तो बहुत सारे साधन आ गए हैं। सो इन दिस वे, एक तो हम लोगों ने बताया कि ये थोड़ा सा एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कालक्रम में कैसे बढ़ा, कैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, और सुविधा बढ़ने के फलस्वरूप हमारा रिक्वायरमेंट भी बना है इन ऑर्डर टू कैम्पीट विद द वर्ल्ड। और चूंकि जब हम ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट कहते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। सो कंस्टिट्यूएंट डजेंट मीन ओनली ह्यूमन रिसोर्स, ऑल अदर रिलेटेड रिसोर्स, जिसमें आजकल ज़्यादा फोकस आप देख रहे हैं, 19th century से ही शुरू हुआ, लेकिन इस सदी में 21वीं सदी में खास के तो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ही ज़्यादा फोकस्ड हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू। वी टॉक्ड अबाउट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। थैंक यू।